तो गाइस आपको हम दिखा रहे हैं बिरसा मुंडा आके यहीं पे छिपे थे और बचे थे अंग्रेजों के द्वारा। तो आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं यूट्यूब में, तो देखिए चलिए दोस्तों, आपको सुमित जी आपको दिखा रहे हैं वो गुफा जहाँ पे बिरसा मुंडा छिपे थे। तो चलिए दोस्त आप दिखाइए वीडियो, गुफा दिखाइए किधर है। तो दोस्त देखिए गुफा दिखा रहे हैं किधर बिरसा मुंडा छिपे थे, आपको गुफा की ओर ले चल रहे हैं। किस कदर गुफा था और कहाँ पे बिरसा मुंडा छिपे थे, तो गाइस जरूर देखिए बिरसा मुंडा कहाँ छिपे थे, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्त किस तरह गुफा में सुमित जी घुसे हुए हैं जहाँ पे बिरसा मुंडा घुसे थे वहाँ पर। तो आपको ये गुफा दिखा रहे हैं जहाँ बिरसा मुंडा पहले भी घुस चुके और बच्चे थे। तो आपको चलिए अंदर की ओर ले चलते हैं और दिखाते हैं वीडियो। काफी दर्दनाक गुफा लग रहा है। यहीं पे बिरसा मुंडा बच्चे थे और वहीं पे हम लोग आपको वीडियो दिखा रहा है। तो चलिए सुमित जी आप गुफा को थोड़ा दिखाइए गौर से। ठीक जा जी। तो गाइज आप देख रहे हैं यही बड़ा सा पत्थर है जिसके नीचे भगवान बिरसा मुंडा छिपे थे, ये देख रहे हैं। ये सुमित जी खड़े हैं, ये सुमित जी आपको दिखा रहे हैं कि ये गुफा में बिरसा मुंडा छिपे थे। ठीक है, ये बिरसा मुंडा छिपे थे, उनको हम बोलेंगे कि अंदर जाने के लिए। तो सुमित भैया आप अंदर जा सकते हैं? नहीं भैया हम नहीं जा सकते हैं, बहुत ही। तो गाइस हम थोड़ा सामने से कैमरा करके आपको सामने से दिखाते हैं, बहुत ही दिक्कत है। और हम ही देखते हैं अगर जाने का थोड़ा सा जगह मिल जाए तो अंदर भी जाके दिखाऊं। तो देखिए गाइस किस तरह सुमित जी घुस गए अंदर, देखिए जा रहे हैं अंदर जहाँ बिरसा मुंडा घुसे थे पहले और बचे थे अंग्रेजों से, उस जगह पे चल गए हैं देखिए और अंदर चले गए हैं सुमित जी। गाइस जो अंदर चले गए लापता हो गए, आप देख सकते हैं वीडियो में आपका ही नजर नहीं आ रहा, अंदर दिख रहे हैं। तो गाइस जो अंदर चले गए हैं, तो गाइज जिस वक्त का इंतजार था उस वक्त आ गया है। आप देखिए यहाँ भगवान बिरसा मुंडा छिपे थे और बचे थे, ये गुफा है दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं ये वाला गुफा है। ये गुफा काफ़ी बढ़िया है, ये गुफा इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और ये गुफा में आकर बिरसा मुंडा यहाँ पे बैठे थे और छिपे थे। तो गाइज आपको दिखाएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।